हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमी जी नेट पर। दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो है, ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं होने वाली। इसमें हम कुछ बातें करेंगे और मैं कुछ आप लोगों से जानना चाहता हूँ ताकि हम आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सके, हम में जो कमियाँ हैं वो दूर कर सके, ठीक है। तो इसी के बारे में आज की हमारी ये वीडियो होगी, ठीक है। तो और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर पेपर फर्स्ट से रिलेटेड काफ़ी अच्छी वीडियोस लेके आते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है, आपको आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। अगर ये सही है तो मैं इसे ऐसे ही चलने देता हूँ, और अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है हमें तो वो आप मेरे को बताइए, ठीक है। आपके मन में जो भी विचार है इस चैनल को लेकर वो हमें ज़रूर बताइए ताकि हम अपनी कमियों को इम्प्रूवमेंट कर सके, ठीक है, और जिससे हम आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सके, ठीक है। और दोस्तों जैसे कि एक मैंने आपको फ्री स्टडी मटेरियल के बारे में बताया है, हमारी वेबसाइट है nimiji.net, तो उसके अंदर मैं जो लिंक देता हूँ हर वीडियो के अंदर लिंक देता हूँ, तो वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो भी PDF आप डाउनलोड कर रहे हो फ्री स्टडी मटेरियल की, तो उसमें आपको अगर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी हमें बताइए, ठीक है। और एक और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आप सभी लोग प्लीज़ मेरे को ये बताइए कि मैं वीडियो किस टाइम डालूँ पूरे दिन में, यानी कि सुबह डालूँ, दोपहर डालूँ, दोपहर के 12 बजे डालूँ, 2 बजे डालूँ, या इवनिंग को 4 बजे डालूँ, या फिर नाइट को 9 बजे डालूँ, ठीक है। ये आप मेरे को थोड़ा अच्छे से बताइए। और दूसरी बात मेरे को आप ये बताइए कि जो वीडियो है वो एक दिन में एक आनी चाहिए या एक दिन में दो आनी चाहिए, इसके बारे में भी आप मेरे को ज़रूर बताइए, ठीक है। और एक चीज़ और दोस्तों आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि जैसे कि हम कोई भी वीडियो डालता हूँ मैं, ठीक है, तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता है या नहीं पहुँचता, और अगर आपने अभी तक जो बेल आइकन होता है साइड में जब हम सब्सक्राइब करते हैं तो वो आपने दबा रखा है या नहीं दबा रखा। अगर आपने दबा नहीं रखा है तो उसे ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा वो तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जब आपने वो बेल आइकन दबाया हुआ होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने निमिजी नेट वेबसाइट बताया था, ठीक है, तो वहाँ पे जाके एक मैंने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि शेयर योर नोट्स, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास जो भी नोट्स है, आपके स्पेशल सब्जेक्ट पेपर सेकंड से रिलेटेड जो भी नोट्स है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और हम आपके जो नोट्स है वो आपकी फ़ोटो के साथ प्रकाशित करेंगे, और ताकि आपकी भी एक पहचान बन सके, ठीक है। तो वो हमें आप ज़रूर बताइए ताकि हमारे दूसरे दोस्तों को भी हेल्प मिले, ठीक है। और एक चीज़ और, हमने जैसे कि निमिजी नेट के नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है और टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। देखिए टेलीग्राम चैनल किसके लिए है, टेलीग्राम चैनल उस चीज़ के लिए है कि जिसके अंदर आपको केवल और केवल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसके अंदर आप अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, वहाँ पे आपको फ्रेश स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। लेकिन जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर आप डिस्कशन कर सकते हो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, दूसरे दोस्तों के साथ आप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर केवल और केवल स्टडी मटेरियल लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको डिस्कशन करनी है तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। और दोस्तों हमें यानी कि वीडियो जो क्वालिटी है, हाँ क्वालिटी पे बात करते हैं हम, देखिए मैं अपनी ओर से वीडियो क्वालिटी देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, ठीक है, लेकिन कई दोस्तों की प्रॉब्लम होती है कि जो वीडियो है वो अच्छे से दिखाई नहीं देती, धुंधली दिखाई देती है। दोस्तों इसका एक रीज़न हो सकता है कि आप जो राइट साइड में टॉप कॉर्नर पर आपको एक 3 डॉट के नाम से दिखाई देगा जब आप वीडियो चलाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो नीचे आएगा एक स्क्रॉल डाउन करके आएगा, नीचे क्वालिटी लिखा हुआ आएगा, ठीक है, तो उस क्वालिटी पे आप जब क्लिक करोगे तो 120p 240p 720p 360p इस तरह से लिखा हुआ आएगा, तो उसमें आप अगर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी तो 480p कर लीजिए या फिर 720p कर लीजिए, वहाँ से आपको क्वालिटी है बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक है। और
और आप बता सकते हैं मेरे को कि मैं जो वीडियो क्वालिटी है अच्छा करने के लिए और क्या कर सकता हूँ, वो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इसके अलावा भी आपका हमारे लिए कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, वो हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें, ठीक है। और जो जैसे कि जो फ्री स्टडी मटेरियल की बात आ गई, उस सेपरेट पीडीएफ को छोड़ के, सेपरेट टॉपिक पीडीएफ को छोड़ के और जितना भी मटेरियल है वो मैं आपको पूरा बिल्कुल टोटली फ्री में देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये सभी सवाल मैंने जो आपको बताए हैं वो एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जिन मेन मेन क्वेश्चन को आपके आपको ध्यान में रखना है, उनका आप सभी को जवाब देना है दोस्तों। प्लीज़ मैं आप सभी से हाथ जोड़ता हूँ कि इन सभी सवालों के जवाब आप ज़रूर देना जो मैं अभी आपको रिपीट कर रहा हूँ। एक तो ये बताइएगा कि जो वीडियो डालने का टाइमिंग है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। दिन में एक बार होना चाहिए या दिन में दो होनी चाहिए, और वो टाइमिंग क्या होनी चाहिए, सुबह होनी चाहिए, शाम को होनी चाहिए या कब होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि जो मैं तरीका पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से, यानी कि जो ओल्ड पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, जो क्वेश्चन बार 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 रिपीट हो रहे हैं, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और साथ में उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दे रहा हूँ, तो क्या ये तरीका सही है, ठीक है। इसके बारे में आप मेरे को ज़रूर बताना। और इसके अलावा जैसे मैंने क्वालिटी की बात की, तो क्वालिटी ठीक है या नहीं है इसके बारे में बताना। और चौथा जैसे मैंने कि फ्री स्टडी मटेरियल के बारे में बताया, तो ये कुछ सवाल है, इनके बारे में आप हमें ज़रूर बताना, ठीक है। और दोस्तों, इसके अलावा भी आपका किसी भी तरह का कोई भी सवाल जवाब है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इन सभी सवाल के जवाब हम नेक्स्ट संडे देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी जो संडे आएगा उस संडे को हम सभी आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर बताएंगे, और आपको जो भी लगता है, आपको जो जो कठिनाइयां प्रॉब्लम हो रही है जो भी, वो हमें बताइएगा। और आप किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है यूजीसी नेट में, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो और दोस्तों, आप सभी ने हमें इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहेंगे। और दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।